हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग? ठीक से बोल रहे हैं ना? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज में। दोस्तों आज मैं हूं सचिन और साथ में मनीषा। तो अभी फिलहाल आज इतना ज़्यादा मैं पता क्या हुआ, गाड़ी में बहुत सारा सामान, क्योंकि कारपेंटर का काम हुआ था, टाइल का काम हुआ था, प्लम्बर का काम हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे सामान थे ना जो कि गाड़ी में मैंने रखवा लिए, मैं रिटर्न करूँगा। ऑलमोस्ट वो सामान 40-50 हज़ार रुपये के तक का है, मेरे को तो पता ही नहीं था वो सामान अभी बचे हुए हैं। जब देखा तो इतना कॉस्टली कॉस्टली सब सामान इधर उधर फेंका हुआ था बिना सिर पैर का। तार के बंडल थे एकदम 4-4 mm के, तो सब कुछ अब अरेंज वगैरह किया, गाड़ी में रखा। फिर मैंने बोला यार पैर वैर दर्द कर रहा है, बहुत थकान हो गई थी क्योंकि उठा ही लेट था और काम करते करते फिर एकदम लेट हो गया, कुछ शूट तो हुआ नहीं। फिर ये मोहतरमा बोली कि लाइए मैं शूट कर देता हूँ, यही व्लॉग वगैरह शूट करके अपना पोस्ट किया। बात बात करके हमने शूट कर लिया और फिर उसके बाद से जो काम वाम हो रहा था उसका शूट करके हमने डाल दिया। लेकिन आज ना कुछ भी मन नहीं कर रहा था, नहीं खाना बनाने का, नहीं खाने का, नहीं सोने का। ये अभी भी देख सकते ना कर्टन कैसे पड़ा हुआ है, इतना तेज हवा चल रहा था ना कि हम क्या बताएं। हाँ अभी भी खोली थी क्या? नहीं ऐसे ही मेन गेट खुला था ना, उधर सब हवा और ऐसे पर्दा पूरा ऐसे हो रहा था, देखिए ना अभी कितना फैला फैला दिख रहा है, इतना सारा गैप हो गया है। तो चलो गाइस, सब कुछ तो चलता रहता है, ठंड का मौसम है, ठंड में आज तो एकदम धूप नहीं निकला था, एकदम कनकनी वाला ठंडा था। तो अब जनरली क्या है ना कि ठंड के मौसम में बाहर जाने का थोड़ा सा मन नहीं करता है, थोड़ा सा क्या बहुत मन नहीं करता है। और धुंध अभी से ही छा गया है, लगभग 7-8 बज रहे हैं, तो ठंडा लगना वैसे ही शुरू हो जाता। दे दे लैपटॉप मेरे को, बंद हो गया, चार्ज नहीं था। चलो तो अभी गाइस बहुत सारा काम भी करना है, लैपटॉप भी बैठूंगा थोड़ी देर। और पार्टी की बहुत मस्त तैयारी चल रही है, सब कुछ मैनेज करना है। आज ही हलवाई का लिस्ट विस्ट भी आ गया, जो लोग का नाम नहीं लिया वो नहीं बताएंगे आप। बहुत सारे आप लोग बोल रहे हो ना कि यहाँ पीछे लगेगा, बहुत सारे लोगों का था ना कि भैया आपने किसको किसको नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया। ऐसा नहीं है, जितने लोगों से मेरी बातचीत होती है, जितने लोगों से हालचाल एटलीस्ट लेता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको हम लोग फॉलो तो करते हैं लेकिन उनसे बातचीत बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है, बहुत रेयर, मतलब साल में एक बार हो गया तो हो गया। वैसे उन लोगों से मतलब अब फिर किस तरीके से मैं भी बुलाऊँ मेरे को समझ भी नहीं आता। इसलिए जो लोग बराबर कनेक्ट में रहते हैं, बराबर बातचीत होती रहती है, हर हफ्ते महीने में एटलीस्ट ओकेजन पे कम से कम बर्थडे विशेस कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं सबसे कनेक्ट करके रहते हैं। बट मुझसे जितना हुआ सबको इनवाइट किया। सरिता दीदी चूँकि प्रेग्नेंट है तो वो नहीं आ पाएगी, बाकी और भी लोगों को बोला हुआ है। तो अब सबका अपना अपना टाइमिंग, अपना अपना वो है, मैं किसी को प्रेशराइज तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ इस बार बहुत सारे क्रिएटर्स आएंगे, बहुत सारे लोग होंगे, खाना पीना का ये देखो सब सामग्री वगैरह भी है। देख सकते हो कैसे मेनू कार्ड है और इसमें से सारा सामान लाना है, चीनी 10 किलो, रिफाइंड 1 टीना, मतलब अभी हलवाई का भी पर्ची आ गया है, अब टेंट वेंट वाले को भी बोलूंगा। और यहाँ पे सिर्फ हलवाई का खाना ना, सिर्फ घर पे जो 2 दिन का है ना वो ही है, बाकी तो सारा चीज हम लोग वेन्यू पे करेंगे। तो घर पे भी 2-3 दिन का अपना टेंट कैटरिंग वगैरह ये सब चलेगा, और जो भी है सब आप लोगों को दिखेगा। तो आई एम श्योर कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आ रहा होगा। तो अभी आप लोग एंजॉय करना, सारी चीज़ें आप लोग से बताएंगे। हाँ मैं बता दूँ कि शबनम दीदी का चूँकि थोड़ा हेल्थ इश्यू है तो उन्होंने बोला कि मैं ट्राई करूँगी, अगर मैं ठीक रही तो मैं ज़रूर आऊँगी। मीशू नहीं आ पाएगी, मीशू का कुछ पता नहीं कहीं जा रही है वो शायद फिर से अपना। और एक कौन, आरती दीदी वो भी जा रही है सोमनाथ, तो उनकी भी टिकट रिजर्वेशन वगैरह थी तो वो भी नहीं आ पाएंगी। बाकी सारे लोग पिछली बार वाले होंगे हमारे, एंड और कौन बच गया, बस यही लोग हैं जो नहीं आ पाएंगे। बाकी लोग जो हैं, अभी जो लोग आएंगे उनका भी नाम नहीं लिए हैं, आधे लोगों का, जो लोग आएंगे उनका आधे लोगों का मैं बताया ही नहीं हूँ। हर दिन कुछ कोई ना कोई ऐड हो रहा है साथ में, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब इस बार आप लोगों को ना इतना एंजॉय करने का पूरा हम लोग प्लान कर रहे हैं, पूरा स्केड्यूल बना रहे हैं कि भरपूर सब लोग एंजॉय कर सकें, सब लोग मस्ती मजाक कर सकें, तो बहुत मजा आएगा। पता है क्या, हम अपने दोस्त आज पता है क्या हुआ भाई, अभी अपने फ्रेंड सबसे बात कर रहे थे तो क्या हुआ ना कि वो लोग हमारा बता दें, वो लोग हमारा प्रेगनेंसी वाला जो वीडियो था ना वो उन लोगों ने देखा हुआ था। वो लोग वीडियो पूरा नहीं देखे, वो लोग मिठाई उठाई खरीदने चले गए मिठाई बांटने के लिए, कितना ज़्यादा मतलब सबको वेटिंग है,
सब कितने ज्यादा ईगरनेस है इस चीज को लेकर कि क्या ही बताया जाए। तब तक अर्शद का किया ना कि वो जैसे ही मिठाई लेने गया तब तक प्रेमांजलि बोली कि भाई पहले पूरा ब्लॉग तो देख ले। तो कहती है कि पता है मनीषा, उसके बाद में जब मैंने पूरा ब्लॉग देखा ना तो सचिन सर ऐसे बोले हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये वो। तो मेरा मूड ऑफ हो गया, इतना हंसी आ रहा था। बोले ऐसे ऐसे बात कर रहे थे तो है ना। तो अभी काफी दिनों के बाद आज कॉल की बात की, पता नहीं मेरे नंबर पे तो किसी। और आपको अभी अभी पीछे दिख रहा होगा गोल्डन कलर की साड़ी, वो भी नया नया आया है। तो अभी हमारे घर में गोल्डन गोल्डन छाया है, पहनना एक जन को है लेकिन गोल्डन 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 हो रहा है। एक जन को पहनना है पर अरेंज हम लोग देख रहे हैं सबके लिए। सबके लिए ना इस बार जितने भी पार्टी में लोग आएंगे सबके लिए कुछ ना कुछ अरेंज भी किए हैं हम लोग। कुछ अलग अलग पूजा को कॉल करो ना, थोड़ा उसका अपडेट लेते हैं, उसका नंबर लीक हुआ था। बहुत लोग का कमेंट था कि तुम अपने सास से और ननद से बदला ले ली। नहीं, नंबर लेके ऐसे कोई बदला नहीं होता, बाय गॉड बता रहे हैं। वो जो नंबर लीक हुआ था ना वो हमें लगा ना कि नाम लीक, वो मैंने एडिटिंग करके काट दिया वैसे वीडियो में। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि अरे नंबर दिख नहीं रहा, आप कैसे बोल रहे हो। तो मैंने बाद में एडिट करके नंबर काट दिया था और मुझे वो वीडियो कॉल मैंने खुद ही किया था पर वो मेरे को दिखा ही नहीं था। तो अभी फिर से कॉल करते हैं और अब तो डर ही लग रहा है। मजा आता है छटकी से बात करने में। तो अभी हमारी ननद भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी सिर्फ मेरी वजह से। और जो क्या बोलते हैं, और जो मेरे वो है ना मम्मी जी, उनका तो और हालत ख़राब हो गया था क्योंकि रात रात में बहुत सारे लोग पूजा दीदी वीडियो बना रहे हैं। छटकी का है, छटकी छटकी सो रही है, सूर्य ऐसे करके बोल रहे हैं ना। अभी वीडियो ब्लॉग बना रहे थे, बोल रहे थे कि थोड़ा कॉल करो ना, पूछते हैं नंबर कैसे करेंगे। क्या हाल है? अच्छे कैसे हैं? बढ़िया। बोल रहे हैं ना कि कम से कम 6-7 सौ आदमी फोन किया है। 1200 आदमी फोन किया है। हाँ। नंबर वा काट दिए थे इसका जल्दी है, मम्मी का थोड़ा बाद में कटा है, इसका जल्दी कट गया था। जानते हैं अभी भी कॉल आ रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब लोग कल बर्थडे इस तरह लगता है कि कॉल के दिन स्पेशल बर्थडे हो गया। याद रहेगा, आगे पीछे लोग परेशान हो गया था। फोन साइलेंट क्यों नहीं कर ये बदला ले रही थी, कह रही कि हमको हम अभी बदला लेंगे, सब लोग का नंबर लीक कर देंगे। नहीं ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, गलती से वायरल हो गया। उसके बाद से ना सब कह रहे हैं सब कमेंट में कि बाप रे मनीषा दी बहुत अच्छा किया आपने, पूजा दी का नंबर मिल गया। उसमें से ना अभी भी कमेंट आ रहा है कि कुछ कुछ नंबर ऐसा है जो पिन कर दो भाई, हमको भी पूजा दी का नंबर चाहिए। तो गाइस लड्डू लड्डू यहाँ पे देखो, ये फोन अटक गया, इसकी आवाज अटक गया। पूरे कनेक्शन लिख रहा है कॉल। आपके बर्थडे के दिन ही ऐसा हुआ, इतना ज्यादा लोग बर्थडे विश किया होगा। कॉल क्या हुआ, क्या बोल रहे हो लड्डू? क्या बोल रहे हो लड्डू? फिर बता दो। मामा जी रो रही प्रिंसेस, ऐसे बोल। डर जाएगी प्रिंसेस। लड्डू हाँ बेटा, लड्डू लड्डू बैठोगे ट्रेन में? चलो लड्डू चलो ट्रेन में। हे गाइस, तो बने रहिए इस व्लॉग को यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी सब लोग अपना अपना ड्रेस का तैयारी कर रहे हैं तो इसका एक अलग ही एक्साइटमेंट है। बस आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है तो आज देखते हैं रात में क्या बनाएंगे खाने में।
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।